What I am doing in front of a beautiful lake. Well, वो आपने सुना तो होगा कि कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं जिनका आप सोच के नहीं निकले होते हैं, लेकिन रास्ते आपको वहाँ ले जाते हैं। ये मंजिल भी उन्हीं में से एक है। मैं जब सुबह निकला था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे व्लॉग का इख्तिताम आज इस खूबसूरत मंजर पे होगा। तो वो किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी ज़िंदगी के मुताबिक चलती है, ना वो तुम्हारे मुताबिक चलती है ना मेरे मुताबिक चलती है, ज़िंदगी खुदा के मुताबिक चलती है। बट द जर्नी टू रीच हियर वाज टोटली फन। लेट्स चेक इट आउट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग, और आज का व्लॉग जो होने जा रहा है वो है ईद की शॉपिंग का। और मौसम आज बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे धूप, और धूप को आप ईद का चांद भी कह सकते हैं क्योंकि ये भी ईद के चांद की तरह निकलती है। तो आज फात भाई आप बता रहे थे किस लिए हम जा रहे हैं टाउन में, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? तो क्या कोई ऑफर्स वगैरह लगी हैं, किस तरह की लगी? तो ये जो ईद की शॉपिंग होने जा रही है ये फात भाई की तरफ से हम चारों के लिए आ गई है। बस आ गई है जी, ये रही बस। चलो चलो बस में हम बैठ चुके हैं। भाई ये जिस हम आए थे शॉपिंग के लिए, जिस शॉपिंग मॉल की, इसका जो गेट ही उन्होंने हमारे लिए बंद कर दिया है। मतलब इतना कुछ नहीं खरीदना था यार, ये उन्होंने बंद ही कर दिया। तो भाई सीन हो गया हमारे साथ, जो ट्रॉय मार्क पे हम यहाँ पे आए थे, जो यहाँ का एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे हमारी रेंज की बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगे ब्रांड हम पहन नहीं सकते। तो एक एवरेज रेंज का जो होती है ना प्राइसेस, वो ट्रॉय मार्क से आपको मिल जाती है, लेकिन वो तो बंद है। और पता नहीं आप हमारी शॉपिंग हो पाएगी या नहीं। ऊपर मेरे ख्याल से ईस्टर की वजह से सब कुछ ही आज बंद है। देख लो भाई सब कुछ बंद है। जेडी आज से पहले तो आपने देखा होगा इंसान पियोना बजा रहे हैं, लेकिन ये तो ये खोता है या घोड़ा है आप खुद ही देख लें। ये लगता है इंग्लिश खच्चर है। ये भाई ना खोता है ना घोड़ा है, ये इंग्लिश खच्चर है। For engagement ring, thanks a lot. अच्छा भाई देख लो, कवारे यहाँ भी रो रहे हैं, ये फॉर एंगेजमेंट रिंग के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और इधर हम शादी के लिए कर रहे हैं। ये आप देख लें भाई, भाई हमारे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो, और मिशन इम्पॉसिबल हो गया, और मिशन फेल्ड भी हो गया, जो मिशन हमारा था शॉपिंग का। और इसकी वजह यह है कि हम यहाँ पे आए थे, लेकिन ईस्टर की वजह से यहाँ पे जो जितने भी शॉपिंग मॉल हैं बड़े बड़े वो सब बंद हैं। तो हमने सोचा अब जलील हो ही गए हैं, तो थोड़े फोटो वगैरह हमने सोचा जो फोटो वगैरह फोटोग्राफी हो जाएगी, वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। तो अब ये मिशन फेल्ड हो चुका है, मिशन ये शॉपिंग, तो अब मिशन फोटोग्राफी पे हम। अच्छा जी ये हुआ है कि जो संडे का दिन होता है ना यहाँ पे, वो होता है सिर्फ सोने के लिए। तो हमने सेक्रीफाई किया अपने सोने को भी, लेकिन उसका कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ। अब हम इस दिन को गया तो नहीं जाने देते, हमने सोचा चलो वीडियोस फोटोज वगैरह बनाते हैं और दिन को अच्छा करते हैं थोड़ा। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, जा। अच्छा आपको आज दिन तक भाई किसी ने चर्च नहीं घुमाया होगा, ये पीछे मेरे चर्च है, आज मैं आपको अंदर भी लेके चलूंगा चर्च के, क्या क्या मामला होते हैं। मुझे बड़ी वो कहते हैं ना तजस्सुस था कि चर्च के अंदर आखिर होता क्या है। तो आज हम चलेंगे अंदर, चर्च का भी टूर करवाएंगे। शॉपिंग तो करने से रहे हम, लेकिन एटलीस्ट चर्च में तो जा ही सकते हैं। आज ईस्टर का इवेंट भी है, तो
क्या क्या बोल सर जल्दी है, मैं बोलूंगा पैक अप पैक अप, आई एम बिजी। हां भाई ये शूटिंग चल रही है, पता नहीं किस चीज की चल रही है लेकिन चल रही है। ड्रामा सुन, ये ड्रामा बन रहा है, अब तू बोल ना, देख ले यहां पर मेरे पास ये रोल है, ये शूटिंग हो रही है, ये मेरे पास तुम मौका, ये अत्रुगुल की सारी कास्ट। अच्छा कैमरा मोरो कराया, पूरे पैसे पूरे अगर पाए मैं अर्तुगुल गाजी की है या कौन सी है? मेरे पास तो खुदार मोहब्बत, और कौन सी है पाकिस्तानी फेमस ड्रामे, कौन कौन से हैं? तेरी शक्ल पे लिखा है चुलबुल पांडे, शक्ल पे भी लिखा है। हाँ जी प्लान चेंज हो गया, किधर जाना है? ये इधर नहीं जाना, वो आप जो जगह बता, ये जगह कौन सी है? इस जगह पे जाना है, एक बॉस्टन रिजर्वायर। इंग्लिश कमजोर है मेरी नजरें भी। चलो चलो जी, प्लान चेंज हो गया शमस भाई। किधर का भाई? आज का जो बस पास आपने लिया है साथ बोर्ड का, उसका पूरा हमने, आई हैव अ बस पास इन होम ऑफिस, गिव मी योर इंग्लिश इज थोड़ी कच्ची, डोंट स्पीक यस्टरडे, गिव मी अ बस पास गवर्नमेंट, सो लेट्स गो। बस पे चलते हैं, दो बसें खड़ी हैं, इनमें से पता है कौन सा नंबर है। और बस बस हमारे लिए खड़ी और प्लेन अचानक से चेंज हो गया जी, अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड तक, बंद होने वाली है बस। हो चुकी है जी, चांदी दी बाली लगी है किसकी है, ये पता नहीं किस एरिया की है, अभी जानते हैं। हाँ जी टीमो उतर चुके हैं, अभी हम एक बस्टन रिवर के लिए, अभी हम प्यादल हो गए, बस से उतर गए। अजबीक भाई ने हमें बताई है जगह के, बहुत प्यारी है, आप पता नहीं हो गया, एक साल हो गया है, आए हुए और जगह भी नहीं घूमी। ये देखिए अब हम चलते हैं और फिर आपको वहाँ के नज़ारे कराएंगे कि भाई क्या सीन्स हैं वहाँ के। ठीक है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं मंगला डैम आ गया हूँ। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं रिजर्वायर पे, जो जगह मैंने आपको बताई थी आज आपको गवाएंगे वहाँ पे। आज का पूरा दिन आपको मैं मुख्तलिफ जो बर्मिंघम में जगह हैं ना घूमने के लिए वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। बाकी तो मैंने आपको बुल रिंग वगैरह जो मेन सिटी है वो आपको ऑलरेडी घुमा चुके हैं, लेकिन अभी जो सीन्स है ना ये आप रिजर्वायर अगर आप बर्मिंघम में हो तो इसको ज़रूर घूमने के लिए आओ, यहाँ पे ये चेक कर लो आपका नज़ारा सारा। फाद भाई ये फोन वाटरप्रूफ है आपका? पानी में फेंक के चेक कर लो भाई, बड़ा तो बुलेट प्रूफ। शमस भाई ये हैं जी हमारे, शमस भाई आप यहाँ पे जॉब करते हैं? यस, ये जिम है जी इनका, ये यहाँ पे इनकी जॉब है। यू कमिंग इनसाइड ब्रो? ओह इंग्लिश इंग्लिश अभी चलते हैं शमस भाई का जिम भी आपको विजिट करा देते हैं। एक दिन में एक व्लॉग में मैं आपको कितनी चीजें घुमा रहा हूँ यार, आप जिम में यूके किस तरह के होते हैं वो भी आपको दिखा। तो अभी चलते हैं जिम में, नहीं मैं और शमस जाएंगे आप दोनों बाहर। अच्छा इसकी फीस कितनी है जिम की? 35,000। जिम वगैरह भी है इसके ऊपर, यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह भी है। तो अभी हम जिम में एंट्री मार रहे हैं भाई साहब, आपको दिखाएंगे जिम के अंदर क्या नजारा है। यहाँ पे हम करते हैं काम 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 काम, जिम के अंदर के सारे अंदर ही चल के दिखाएंगे आपको। ये 2019 ऑलराइट, ओपन द डोर एंड लेट्स गो। दैट्स गुड नाइट। ये जी मैं जी मामला चेक कर
भाई साहब इनसाइड वीडियो बनाना लो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं। हाँ तो भाई जिम का टूर भी आपको करवा दिया आज, देख लो। और फीस इस जिम की इतनी है 30 से 35 पाउंड, आई थिंक 30 से 35 है शमस भाई। 35 पाउंड मंथ ब्रो। और इसमें स्विमिंग पूल वगैरह भी है, बाकी स्टीम वगैरह के सारे सीन्स हैं जिनका मुझे नहीं पता उनको क्या बोलते हैं। नहीं देखी भाई हमने इससे पहले, नहीं पता। जी हाँ पेंडुए हैं बाहर के, तो रंग आपको नज़र आ ही रहे होंगे मेरे पीछे, ये देख लो मौसम बाहर आ चुका है। ओ माई गॉड, ये चेक करो भाई बाहर का मौसम। लास्ट टाइम इसी जैकेट में आपके भाई ने एक वीडियो बनाई थी बाहर के पुनों की, और आज भी वही जैकेट हमने पहनी हुई है और बाहर आ गई है दोबारा। लेकिन हालात जो हैं वो चेंज हो चुके हैं काफ़ी। जब वो हालात थे वो थोड़ा स्ट्रगल का दौर था, अभी थोड़े अमेजिंग हैं एज़ कम्पेयर टू दैट डोर। तो भाई पूरा संडे ज़ाया करने के बाद हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आए थे शॉपिंग करने के लिए और घूम फिर के वीडियोस बना के नडहाल हो गए, चूँकि ऊपर से रोज़ा भी है। तो अभी देखते हैं वापसी का क्या सीन बनता है।